सो गाइज, अगर आप न्यू हो हमारे चैनल पे और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो अपने फोन से पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम, तो आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और पूरी डिटेल ले सकते हो इसके बारे में। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी चेक कर सकते हो। तो गाइज, मंगोलों के खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं जेरकोथाए, उस्मान बे और सुलान बे, सारे के सारे जा रहे हैं उनके खेमे के अंदर, किसके गिहातु, एंड देखते हैं आगे क्या हो, क्योंकि गिहातु को सब पता है और गिहातु वहाँ पे जाल बुन के बैठा है हमारे भाइयों के खिलाफ। क्या सारे के सारे मंगोलों को आज मारेंगे, देखते हैं या वो मरेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आवाज तो करो यार, एंट्री मस्त है ना इनकी, सच में एंट्रेंस। मैं गिहातु के पास गद्दार लेकर आया हूँ, गिहातु फौरी तौर पर इनसे मिलना चाहता है, ले आओ। चलो फौरी तौर पर मिलना चाहता हूँ। ओए ओए ओए, अरे हाँ, अरे मिल गया मैं, ताकि मैं बैठ सकूं। जारी रखो, अगर मुझे यहाँ से निकाल सकते हो तो कोशिश करके देख लो। ये देखो इसका उद्वाल लगे चल रहा है। सरजान खातून, मुझे ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर ना करें। ये क्या था ये? ओए 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 ओए, क्या बांध के आए हैं भाई बंसी बे आज। कैसे बोलते हैं ना बंसी भाई, गुलशन ग्रोवर जैसे क्यों बोल रहे हैं? अरे गाइस सरदारों, गाइस सरदारों, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतनी ताकत है आपके पास, मेरा बंसी, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम क्या नहीं कर सकते। बताओ इनको यार जल्दी। सलजान खातून का तुम एक बार भी बाका नहीं कर सकते। आमसी। ये देखो, ये भी निकलेगी बाहर लगता है। साहब जाग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि सलजान खातून को खेमे से बाहर फेंक दे। क्योंकि बामसी साहब आ गए हैं, लिहाजा मेरे लिए ये जगह खत्म सरदारा। बामसी साहब आ गए, ये बहुत बुरा हुआ, कोई और बात ना हो जाए। मुझे लगा कि साउची साहब बामसी साहब को कायल कर लेंगे। नहीं गजल खातून, बामसी साहब को उस बात के खिलाफ कौन कायल कर सकता है? कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। इट कैन नॉट हैपन। आगे चलो गद्दार। गद्दार गंदे गद्दार। चल। चलो सीधा। ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। चलो। ग्यातु तो हमारा शोरबा बनाएगा। मूव इन करो और चलते रहो। ग्यातु तो हमारा शोरबा। ना बोलना है, बोलने दो इन्हें। ये इन लोगों के आखिरी अल्फाज हैं। देखो अपने अतराफ में, तुम यहाँ से कैसे निकलोगे? ये देखिए, देख सुना नहीं, सीधे चलो।
दो जगह दो दो चीजें हो रही हैं। देखा अब ये क्यों बजाया जा रहा है? कोई आयला है तुम्हारा रिश्तेदार वगैरह है ले। हाँ ये क्यों बजाए जा रही लाए येड़ी। अल्लाह खैर करे कौन आ रहा है? वे फिलिजियस तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर अभी का बाल कटवा के आने पड़ेंगे यार बहुत लंबा होगा। निकालो हमारे कबीले से आंटियां सब्जी लेने जा रही थी और देखो सब्जी लेते लेते इधर आ गई। अंकल ओ भाई अंकल मैं अकेला आया हूँ और निहत्ता भी चढ़ जाते कभी। एक अहम खबर लाया हूँ नीचे उतरो। यहीं रुको बाहर शोर कैसा हो रहा है? फलातियूस आया है कह रहे कोई खास खबर है। इंतजार करो जिरके के बाद हम देखेंगे। नहीं हमें कोई जल्दी नहीं आने दो उसे देखते हैं क्या कहना है। जिरके के बाद देखेंगे। उसने यहां आने की जरूरत कर ली है तो उसकी सुननी चाहिए। कत्ता क्या है देख तो लो कत्ता तो होगा कुछ आन दो। जाओ उसे अंदर लेकर आओ देखते हैं इसने क्या कहना है। हंस रहा है देखो आज तुम कौन सी कहानियां लेकर आए हो फलातियूस? मैं यहां जंग का ऐलान करने आया हूं। ये क्या बोल रहा है? इसकी हिम्मत के सुन जंग का ऐलान क्या मतलब? तुम जंग चाहते हो? अगर आप जा सकते हैं तो मेरे पास के हाथों का खत है। क्या तू वो क्यों मुलफिस हो रहा है? क्या इंटरेस्टिंग हो गया ना ये सच में। हाँ जबरदस्त तो प्लान बनाया होगा ज्ञातो ने स्टडी।
गया तो उदास। ओ भाई ये दुंदार बे को नहीं बताया पढ़ाया उसको पढ़ने नहीं हुआ था उसको साफ़ची में पढ़े लिखे हैं ना गोलू जैसार सोत और कारा जैसार उसने निकोला को दे दिया अगर हमने तीन दिन में ये जगह खाली ना की तो के हाथों और गायों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी और रोम अपनी ताकत और हिमायत से के हाथों का साथ देगा बिला दरे हो जंग वैसे आर्गुन खान मर चुका है क्या तो बहुत जल्द खानाटे का हाकिम होगा यानी तुम गाय खान नाटे के शहंशाह से लड़ोगे वो बहुत ताकतवर है कुछ ना कुछ कर सकते हैं लड़ नहीं सकते हाथ तो ठीक है कुछ ना कुछ कर सकते उदास उदास बस बस कन्नाटे के शहंशाह से सब खामोश हो जाओ इसको भेजने के बाद हमें जंग के बारे में जिरगा शुरू करना होगा जिरगे की क्यादत ज्ञातु से मुकाबले की सकत रखने वाला उस्मान करेगा उस्मान करेगा हाँ उस्मान उस्मान हाँ हाँ उस्मान करेगा उस्मान जिस उस्मान ने हमें इस मुश्किल में डाला है उसकी बात कर रहे हैं आप जिस उस्मान को मैंने कई बार खबरदार किया बेटा क्या मैं उससे तवक्को करूं कि वो हमें खनाटे के खिलाफ फतेह की तरफ ले जाएगा साउची बेटा साउची बेटा हम ऐसी कौम से लड़ने वाले हैं जिनकी तादाद हमसे हजार गुना ज्यादा है बामसी साहब हाँ बामसी साहब ये लड़के ये साउची बेटा खुशी हो रही इसको बंसी साहब बड़े हैं साउची बेटा सुन लो तो तुम लड़ोगे तो हाँ फिर तो कैसे छोड़ देंगे एस्टोडियम कि हाँ तू हमें बाद में मारेगा मैं इसको मारकर अभी से शुरुआत करता हूं तीजे हम कासिद को नुकसान नहीं पहुंचाते अपनी रवायात को मत भूलो क्या आप भूल गए हैं कि इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था कहने आए थे तुमने कह दिया अब तुम फौरन यहां से दफा हो जाओ उस्मान कहां है ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी बताओ मुझे कहां है उस्मान यावला करसलाल से मिल गया है अरे अरे कैसे देख रही है ये भाई सच बताओ तुम ये कैसे जानते हो यावला करसलान ने उस्मान को मेरे हाथों से बचाया यावला करसलान और उस्मान के हाथों से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं उस्मान वहां क्यों गया है जितना मैं उस्मान को जानता हूं वो वहां के हाथों को कत्ल करने के इरादे से गया है
ओए होए 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 अरे 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 पप्पा हंस रहे ना उसके। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, बहुत जबरदस्त एपिसोड था ये। एंड उधर गिहातु को मारने को जा रहे ले यावलक और ओस्मान बे, और इधर देखो भाई जिरके बे जिरका और जिरके में पंगे भाई फिलेटियोस। एंड अर्थरुल भाई की स्माइल अलग ही लेवल है ना। अभी देखते थोड़ी देर में जो आएगा ना एपिसोड वो जरूर देखना, मजा आएगा आपको सच। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।